हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्क्वायर सीखेंगे, ठीक है, कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। वन से लेकर के 1000 तक स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना, इसकी ट्रिक बताएंगे। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर बता दें कैसे निकालते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, ठीक है। 8 × 8 करेंगे 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होता है, ठीक है। एंड 10 का स्क्वायर क्या होता है ये 100 होता है, ठीक है। इतना तो सब लोग जानते हैं, कॉमन है, ठीक है। 10 तक ये हो गया। अब चलिए देखते हैं 11, 12, ये सब का भी आप जानेंगे, ठीक है। देखिए 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 11 12 13 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर एंड 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, इसमें जानने से पहले आप पहले यहाँ पे 11 के बाद देखिए क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट कर दीजिए, 12 कर दीजिए, ठीक है। अब 2 2 का डिफरेंस राइट करिए, 12 के बाद क्या आता है 14 आता है। 2 2 का डिफरेंस अभी लिखना, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी कंप्लीट नहीं है ये इसका स्क्वायर 11 12 220, ओके। 14 के बाद क्या आता है 16 16 18 20 22 24 26 28 एंड ये 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसको देखना है, ये वाली प्लेस को। 1 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ऐड कहाँ पे करना है, 10th प्लेस पे करना है, सॉरी यहाँ पे करना है, ठीक है, इस प्लेस पे, 1 प्लेस पे, मतलब इसका वाला जो 10th है इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, 0 1, ठीक है, ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 1, इसका ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर देखिए क्या है, 0 4 है, 0 4 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 144 क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 3 का स्क्वायर 09 होता है, 9 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 14 का देखिए क्या है, 16 है, तो 16 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 इसके नीचे रहेगा, 196, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 15 का देखिए क्या है, 25 है, तो आप 2 को यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे, देन यहाँ पे 2 2, ये 5 आ जाएगा 15 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 है, तो 36 को आप यहाँ पे ऐड करिए, ठीक है, तो यहाँ पे 6, ये 3 2 5 हो जाएगा, 256, 16 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 17 7 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 49 है, तो 49 यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 448 289, ये किसका आएगा, 17 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 है, 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है, तो यहाँ पे 64 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। 4 6 6 12, रिमाइंडर 1 324, ये 18 का स्क्वायर आ जाएगा। 19 में देखिए 9 का स्क्वायर क्या है, 81 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, 8 8 16, रिमाइंडर 1 361, ये क्या हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऐड करने। फिर 20 है, 10 का देखिए स्क्वायर क्या होता है, 10 का ये कितना होता है, 100 होता है, तो इसको देखिए यहाँ पे करेंगे, ये वन और एक जीरो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 10th प्लेस से हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं इसके, ठीक है, तो ये 0 0 3 1 4 400 क्या हो जाएगा, 10 का ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर आपको आ गया होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। केवल पहले 11 12 ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 12 14 16 18 20 22 ये कर देंगे, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस। अब 1 का क्या होता है स्क्वायर, ये देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है,
तो आप इस प्लेस पे ऐड करेंगे, मीन्स ये वंस है, ये टेंस, टेंस की प्लेस को इसके वंस के प्लेस से ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप ऐड कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है, वंस से लेकर के 20 तक लर्न हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर मीन्स वंस प्लेस अगर 5 आती है तो उसके लिए, ठीक है, इतना तो देखिए ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा बताते, ठीक है, अब निकालने के लिए, अब देखिए अगर वंस प्लेस क्या है, मीन्स जो वंस टेंस होता है ना, वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस अगर 5 आती है तो, ठीक है, वंस प्लेस क्या है अगर 5 है तो, ठीक है, अगर वंस प्लेस पे क्या है ये 5, वंस देखिए ओ एन एस ई रहेगा, ओ एन ई एस ना, ओ एन ई एस, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग थी, ठीक है, ओ एन ई एस, वंस प्लेस पे क्या अगर 5 है तो, लाइक देखिए ये 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, 45 के बाद 65 ले लीजिए, 85 हो गया, ठीक है, 65, 85, 95 हो गया, ठीक है, तो इन सब का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आएगा, ठीक है, ये सब बताना। देखिए ये बहुत इजी है, ठीक है, अगर वंस प्लेस पे 5 है तो इसका स्क्वायर निकालना क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ देखिए कैसे है, देखिए 5 का देखिए स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो सबके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है, सबके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा, इसके भी लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर क्या है, 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर 25, इसमें भी 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर, ये एक बताएंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो ये हो गया, ठीक है, 0 है तो यहाँ पे यही रहेगा। अब देखिए 2 है, 2 के अगला वाला क्या आता है, 3 आता है, 2 के नेक्स्ट क्या आता है, 3 आता है, ठीक है, तो इसमें क्या हम लिख देंगे, 2 के सामने क्या आता है, देखिए 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3 आता है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ जाए, 2 3 जा 6, 6 आप यहां पे लिख देंगे, 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 6 2 5 आ जाएगा, फिर यहां पे देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 25 ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45 है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, ठीक है, 4 5 जा 20, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, 20 25 ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 65, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, ठीक है, तो 7 6 जा क्या होता है, 42 होता है, तो आप यहां पे 42 लिख देंगे, ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 85 है, ठीक है, 8 के बाद देखिए क्या आता है, 9 आता है, 98 का क्या होता है, 72 आता है, तो आप यहां पे 72 लिख देंगे, 85 का है, इसको आप लोग अपने से बताइएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये 5 का भी समझ गए, ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट हुआ है, इसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, सपोज दैट हम क्या ले लिए, 38 ले लिए, ठीक है, 38, इसका क्या करना है, स्क्वायर हमको निकाल कर बताना है कितना आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, देखिए पहले 3 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 8, 8 जा क्या होता है, 64 होता है, ठीक है, 3 एंड 8 का स्क्वायर निकल गया। अब देखिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखिए कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, सो देखिए 3 8 जा 24, ठीक है, 24 2 जा 48, ठीक है, 48 आएगा। अब देखिए 48 को कहाँ पे ऐड करना, इस प्लेस पे नहीं ऐड करना, ठीक है, इस पे करते हैं टेंस पे, 8 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों के देखिए ये ऐड करेंगे, ठीक है, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये 4 है, 8 6 से ये 14 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 एंड ये भी 14 हो जाएगा, मीन्स 1444, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, कितना आएगा, 144 ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज है 24 का लीजिए, इजी अभी, ठीक है, 24 का देखिए स्क्वायर अगर निकालना है तो, अब फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो 2 का स्क्वायर देखिए कितना होता, 4 होता है, एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ठीक है,
फोर फोर जा 16, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टू जा 8 एंड 8 टू जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को इस पे नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड करते हैं 16, तो देखिए ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये है 6, ओके 617 एंड 415, 576 ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप ले रहे हैं 74, ओके 74 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 74 का 7 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 7, 7 का क्या होता है 49 एंड 4, 4 का क्या होता है 16 होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके सो 2, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा देखिए कितना होता है 56, ठीक है 8 7 जा कितना होता है ये 56 होता है। अब 56 को कहां पे ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा 6, 5 6 1 7 एंड 9 5 14 एंड हियर 5, ठीक है ये समझ में आ गया, ठीक है टू डिजिट का। अब चलिए देखते हैं थ्री डिजिट का, एक क्या लेते हैं थ्री डिजिट का एग्जांपल, सपोज दैट 134 ले रही है, ठीक है 134 का स्क्वायर करना है, ठीक है देखिए इसका कैसे करेंगे 134 का, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे थ्री डिजिट आ गई, अब इसको आपको टू पार्ट में करना, ठीक है आप इसको एक वन पार्ट ले लीजिए, दिस इज फर्स्ट पार्ट दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है तो 13 का देखिए स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 जा 16 होता है, ठीक अब मल्टीप्लाई करेंगे 13 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है 4 2 जा 8 एंड 13 8 जा 104 होता है, कितना होता है 104 होता है, वंस को छोड़ करके यहाँ पे ऐड कर देंगे 401, ठीक है इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी डिजिट 6, 415 9 हियर 9 ये रहेगा, ठीक है 617 एंड 1 आल्सो हियर, ओके तो ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया और आप लोग अपने से निकाल ले जाएंगे, ठीक है और भी जो है, ठीक है अब इसके बाद देखिए मैं एक दे रहा हूँ, ठीक है टू डिजिट का दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है सपोज दैट मैं लेता हूँ यहाँ पे 86 का, ठीक है 86 का स्क्वायर आप कमेंट करके बताइएगा इसका कितना आएगा, ठीक है अगर कहीं पे भी कोई डाउट होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ओके ओके थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ये स्क्वायर ट्रिक बताएं, इसके बाद स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे, ठीक है कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो, ओके ओके थैंक यू।